नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आज इस ब्लॉग वीडियो में। जैसा कि हर साल के बात ही आज हमारे सासाराम में दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जुलूस निकल चुका है और हमारे ये जुलूस भारतीगंज चौक का अभी अभी जस्ट ये बस्ती मोड़ के नीचे उतरा। जैसा कि दोस्तों हमारा भारतीगंज पहले से ही तासा धमाका और अखाड़ा के लिए काफी फेमस था, लेकिन कुछ सालों से भारतीगंज चौक के जुलूस के डिसकंटिन्यूटी के कारण अखाड़ा में थोड़ा सा कमी देखने को मिला है। लेकिन जितना अभी भी तासा धमाका अखाड़ा देखने को मिलेगा इस वीडियो में सामने कैप्चर करेंगे। हुआ करता था जब भारतीगंज का अखाड़ा पूरे ससराम में फेमस हुआ करता था, लेकिन आज वो सब पुराना दौर कहीं ना कहीं धीरे धीरे विलुप्त होते गया। दोस्तों हमारा भारतीगंज का अखाड़ा भले ही सिमटने सा लगा हो, लेकिन अभी भी भारतीगंज का तासा धमाका पूरे सासाराम में नंबर वन है। तासा धमाका बजाने के मामले में भारतीगंज पूरे सासाराम में सबसे ज्यादा आकर्षित, दुर्गा पूजा के जुलूस में बहुत ही ज्यादा आकर्षित का केंद्र बन जाता है। तो आइए दोस्तों कुछ विजुअल देख लेते हैं आखिर नंबर वन क्यों है। तासा धमाका तो बजते ही रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमारा ये ऐतिहासिक रीत है। तो दोस्तों अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और सुबह लगभग 4 बजेगा मूर्ति विसर्जन होने में। तो हम कोशिश करेंगे कि शुरू से लेकर अंतिम तक सारा का सारा क्लिप ब्लॉग को हम शूट करें। अभी फिलहाल हम लोग हैं शिव घाट। बाकी सब तो ठीक चल रहा है दोस्तों, लेकिन ये माइक कौन लिया है जिसको अनाउंस करने नहीं आ रहा है? हाँ, उसको अनाउंस करने सिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों शिवघाट से जुलूस को आगे बढ़ाने का टाइम आ गया। ये दुर्गा पूजा का जुलूस कुछ यूं ही रास्ता से जाता है, शिवघाट से स्टार्ट होके लश्करीगंज के बांध के रास्ते से शेरगंज जाता है, फिर उसके बाद अंदर ही अंदर गली गली पहुंच जाता है गंधी नीम। तो भारतीगंज का जुलूस फंसा था मदाद वजह, क्योंकि लश्करीगंज अपने चौक बाजार के पास करमात दिखा रहे थे। तो मैंने भी सोचा कि चलो आगे घूम लेते हैं हमारे मोहल्ला से आगे कौन कौन सा जुलूस है। तो हम वहाँ चौक बाजार पर खड़े होकर लश्करीगंज के अखाड़ा को देखने लगे, तभी वहाँ से गुजरा पुलिस का रैली। लगातार 6-7 गाड़ी पुलिस थे, क्योंकि हमारा दशहरा पर्व में पुलिस चारों तरफ से सिक्योरिटी दिया था। चंडी मैया की
बोलो बोलो पूरे श्री माता की। ये दुर्गा पर्वी हर साल की खाती इसका भी भोलना खिलकर आज सभी सासाराम समाज नगरवासियों को। तभी चौक बाजार के पास भारतीगंज का जुलूस आ जाता है और हाथ में थामे रहते हैं गौतम कुमार भगवा धवज झंडा। चौक पर उधर हो गया ताशा धमाका शुरू और इधर मैं चला अपने भारतीगंज के वैसे सब पार्टियों से मिले जो कि जुलूस से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दोस्तों हम लोग का जुलूस थाना पर चला गया था और वहां पर ही ताशा धमाका डांस प्रोग्राम सब चल रहा था, तो हमने भी सोचे कि चलो जुलूस में आए हुए लोगों से और मिलते हैं। तो यहां पर भटाया प्रकाश मामे जो कि जुलूस से हटकर किनारे आइसक्रीम चबा रहा था, और ये है भारतीगंज का सबसे फेमस चेहरा रवि रंजन भाई। ताशा फट गया लेकिन जुलूस नहीं रुका, हम जा पहुंचे थे नौरतन बाजार। तभी हमें जुलूस में मिल गए विकास भाई का ब्लॉग उर्फ बिहारी ब्लॉग। तो दोस्तों हम लोग का दुर्गा पूजा जुलूस पहुंच चुका था नौरतन बाजार, जहां पर सभी सहपाठी बजा रहे थे ताशा धमाका, क्योंकि इससे आगे बहुत सारा भी जुलूस था तो हम लोग को वहीं पर रोककर जुलूस का ताशा धमाका को कंटिन्यू किया गया था। नगर पूजा समिति से भारतीगंज चौक को यहाँ पर अवार्ड मिल गया, हम यहाँ से अब बढ़ेंगे आगे की ओर। ये बस्ती मोड़ का सबसे फेमस चेहरा कल्लू भाई है और ये हमको दे दिए चना का घुगनी, जो कि लंगर चल रहा है यहाँ पर, काफी मस्त, दिल खुश हो गया। और यहाँ डिल्ला चौक का सबसे फेमस चेहरा प्रमोद भाई जो कि यहाँ दुर्गा जी के मूर्ति को पकड़ के खड़े हैं। दोस्तों धीरे धीरे हमारा दुर्गा पूजा जुलूस बस्ती मोड़ की तरफ बढ़ रहा था और पुलिस भी काफी ज्यादा जल्दी जल्दी जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे। हमारा जुलूस अभी चाह रहा था कि और थोड़ा देर शहरों में रह के अभी ताशा धमाका कारनामों को दिखाया जाए, लेकिन प्रशासन नहीं चाह रहा था कि जुलूस ज्यादा देर शहर में रहे। प्रशासन चाह रहा था कि दुर्गा पूजा के जुलूस को जल्दी से जल्दी खत्म करे, मूर्ति को जल्दी से जल्दी विसर्जन करवा दे। तो दोस्तों हम लोग का जुलूस फाइनली बस्ती मोड़ से नीचे शिव घाट उतर चुका था और साथ में है रमेश हिंदुस्तानी भाई जो कि पिछले साल भी हमारे साथ जुलूस में साथ खड़े थे और इस साल भी वही साथ खड़े हैं। तो दोस्तों रात के बज गया था 2 और भूख लगना तो लाजमी सा था, क्योंकि हम ऊपर नौरतन बाजार सिर्फ 4-5 प्लेट चना ही खाए थे और यहाँ हमारे कमेटी पहले से ही पूरी हलवा और सब्जी पैक करा के ट्रैक्टर में रख लिया था। और यहाँ सासाराम के फेमस ब्लॉगर में से भी एक विकास भाई का ब्लॉग उर्फ बिहारी ब्लॉग भी नाश्ता करते हुए नजर आए। आखिरकार हमारा जुलूस जीटी रोड हैजलगंज के तरफ पार हो ही गया। वो लम्हा फाइनली आ ही गया जब माँ दुर्गा का विदाई होने वाला था।
क्योंकि फैजलगंज के दुर्गा कुंड में हम लोगों का ही नहीं पूरे सासाराम का विसर्जन होता है। दोस्तों ये वही प्राइज है जो कि नगर पूजा समिति के तरफ से हमारे भारतीगंज चौक को मिला था। ये प्राइज इसलिए मिला के क्योंकि हमारा भारतीगंज चौक शुरू से ही ताशा धमाका बजाने में पूरे सासाराम में नंबर वन है और इस बार भी बहुत तगड़ा वाला ताशा धमाका प्रस्तुत करके इस प्राइज को प्राप्त कर लिया। काफी ज्यादा भावुक पल था दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी। इस वीडियो को लाइक करें, मंदिर को चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग।